वेलकम टू माई हर्षा रेसिपी चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ज्वारी के पापड़। तो इसके लिए हमने एक कटोरी भर के ज्वारी का आटा लिया है, ना इसे हमें भिगाना है या ना खट्टा करना है, हम डायरेक्ट बना रहे हैं। तो इसके लिए जो सामग्री है वो है नमक, यह नमक लिया है, पापड़ का जीरा और रोस्टर, मेरे पास रोस्टर तिल थी तो मैं उसी तरह से लिया। आपके पास कच्ची होगी तो आप कच्ची भी ले सकते हो। तो अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। अभी हमें लेना है मोटी तले वाली कढ़ाई, जिसे नाप से हमने आटा लिया उसी नाप से हम पानी डाल रहे हैं। मैं डेढ़ कटोरी जितना डाल रही हूँ। अभी इसे हम उबाल आने देते हैं। अभी पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया है तो इसमें डाल रहे हैं नमक, तिल, जीरा हम बाद में डालेंगे क्योंकि जीरा से थोड़ा सा ब्लैक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम बाद में डालेंगे। अभी हमने डाल लिया है पापड़ का और इसे हम चला लेते हैं। इसके लिए जो चीज़ होता है उसे बोलते हैं चाटो, पर हमारे पास चाटो नहीं है जिसे हम बनाते हैं। तो जो मैं बेलन होता है ना उसी से मैं कर रही हूँ। और इसे हम अभी अच्छी तरह से उबाल आने देते हैं। अभी देखिए इसके अच्छी तरह से उबाल आ गया है तो गैस का फ्लेम हम लो करेंगे और जो आटा है ना हम आटा इस तरह से डालेंगे और इसे इस तरह से हम चलाएंगे। गैस का फ्लेम लो कर देना है और इस तरह से हमें इसे चलाना है। जैसे भी आप चला गए ना उस तरह से जो गुठलियां है वो टूटती जाएंगी इस तरह से। अभी इसमें हम डालते हैं जीरा जो हमने लिया था ना, वैसे डाल देंगे इस तरह से और वापस इसे हम चलाते हैं। आज स्पून से या पड़ी से करते हो तो इस तरह से गुठली नहीं टूटेगी। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो ये परफेक्ट बनेगा। अभी देखिए ये आटा हमारा अच्छी तरह से, जितना भी पानी हमने डाला था ना, मीन्स एक कटोरी या कप आप जो भी नापते हो ना उसी हिसाब से मैंने डेढ़ कटोरी जितना पानी लिया था। अभी इस तरह से इसे हमने कर लिया है तो इसे अब हम एक बार इसे हम चला लेते हैं और उसके बाद हम इसे कवर करेंगे और गैस का फ्लेम एकदम हम लो कर देंगे। अब इसे हम कवर कर देते हैं और 2 मिनट इसे पकने देते हैं, 2 से 3 मिनट। वापस इसे एक बार हम खोल देते हैं क्योंकि इसे हम बहुत स्लो आंच पे हम बना रहे हैं। वापस 2 मिनट कवर कर देते हैं। इसी तरह से ये पापड़ बनाना होता है। अभी 2 मिनट हो गए हैं, देखिए इस तरह से हो गया है। तो इसे हम वापस कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए और गैस का फ्लेम हम ऑफ करते हैं। अभी देखिए 2-3 मिनट जैसे हो गए हैं तो इसे हम डिश में बड़ी थाली में निकाल लेते हैं। अभी ये बहुत सारा गर्म है तो जो ये बर्तन आप लीजिए, ग्लास लीजिए, कटोरी लीजिए और उसको तेल लगाइए और इस तरह से मस लीजिए ताकि अंदर कोई गुठली होगी ना तो वो इसमें मैच हो जाएगी और ये चिकना भी हो जाएगा। और जितना भी आप इसे अच्छी तरह से मसलोगे
उतने आपके पापड़ बढ़िया से आएंगे। देखिए मैं इस तरह से इसे मसल रही हूँ। अभी इस तरह से हमने मसल लिया है तो हम स्पून से इसे इकट्ठा कर देते हैं। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है। हाथों को तेल लगाएंगे और इसे हम इस तरह से एक गोला बना लेंगे, क्योंकि हाथ को चिपकता है नहीं, तो इसे हाथों को तेल लगा के आपको बनाना है। ये गोला बनके रेडी हो गया है तो इसके हम गोले बना लेते हैं छोटे छोटे। आपको जैसे भी बनाना है आप उस तरह से बना सकते हो। इस तरह से मैं सभी बना लेती हूँ। देखिए इस तरह से गोले बना दिया है तो इसे हम ढक के रखेंगे और एक गोला लेंगे। अभी इस तरह से प्लास्टिक की शीट लेनी है, उसे आप ऑयल लगा दीजिए। दो प्लास्टिक की शीट लेनी है तो ऊपर से जो दूसरी है उसे भी हम ऑयल लगा देते हैं ताकि वो चिपके नहीं। अभी ऑयल लगा दिया है तो हम ये एक गोला लेंगे, इसे इस तरह से रखेंगे, ऊपर से शीट रखेंगे। आप बेलना चाहे तो बेल भी सकते हो। ये मैं इस पत्थर से इस तरह से इसे प्रेस कर रही हूँ। आपको जितना भी बड़ा छोटा जैसे चाहे आप इसे बना सकते हो। देखिए इस तरह से हमारी बन गई है। तो आप चाहे तो इसे बेल भी सकते हो, आपको जैसे भी पसंद है उस तरह से आप कर सकते हो। और पतला चाहिए तो आप इसे इस तरह से और रख दीजिए और इसको और ज़्यादा प्रेस कर दीजिए, सब जगह से प्रेस कर दीजिए तो ये अच्छी तरह से बन जाएगा। ना बेलने के झंझट ना कुछ नहीं। देखिए इतना बड़ा पापड़ हमारा बन गया। देखिए इस तरह से, तो इस तरह से मैं बना देती हूँ। उसके बाद मैं आपको टेरेस पे जो मैं प्लास्टिक डाला उस पर मैं बताती हूँ। अभी इस तरह से हमने पापड़ बना दिए हैं। धूप बहुत सारी है तो इसलिए मैंने वहाँ पे एक ही बताई है और बाकी मैं यहाँ पे बता रही हूँ। देखो इस तरह से हमें 15 से 20 पापड़ एक कटोरी में बन गए हैं। तो अभी यह सूखने के बाद हम वापस आपको बताएंगे। एक दिन में पापड़ सूख गए हैं। देखिए इस तरह से मैं आपको पास से बता दूँगी। देखिए कितना बढ़िया सब है। तो इस तरह से आप पापड़ बना के स्टोर कर सकते हो। तब इसमें हमें इसे हम तलेंगे। देखते हैं तेल गर्म करने के लिए रखा है तो इसमें हम डाल देते हैं। और इसे हम एक दिन धूप बताएंगे। क्योंकि ये दो दिन आप अगर धूप बताते हो ना तो ये बढ़िया तरीके से रेडी हो जाएंगे। अभी गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और देखिए हमारा पापड़ रेडी हो गया है इस तरह से। देखिए इस तरह से आप तल पे बना सकते हैं और फ्राई करके भी बना सकते हैं। तो इस तरह से बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए और इस तरह से बना के रखिए तो साल भर आप इसका एंजॉय कर सकते हो। तो इस तरह से ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ये एकदम टेस्टी लगते हैं तो ज़रूर आप ट्राई कीजिए। धन्यवाद।